पिछले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले आए हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ एक चिंता बनी हुई है। अभी तक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरला में कुछ बर्ड फ्लू के मामले देखे गए हैं। दिल्ली में अभी तक एक भी कंफर्म्ड केस बर्ड फ्लू का नहीं पाया गया है, लेकिन हमने लगभग 104 सैंपल अभी तक उठाए हैं और वो सैंपल हमने जालंधर लैब में भेजे हैं। वहाँ से परसों तक उसके नतीजे आएंगे और उन नतीजों के आधार के ऊपर आगे जो भी निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार वो सभी निर्णय लेगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में कई दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का हम लोग, दिल्ली सरकार पालन कर रही है और उसके हिसाब से सभी कदम दिल्ली के अंदर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर जिले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स बनाई गई हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं, वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका। अभी तक जैसा मैंने बताया, 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी, वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है, जिसका नंबर है 2389-0318, 2389-0318। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने के, खास तौर से क्रोज, कौओं के मरने की खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर वहीं उसी जिले की रैपिड रिस्पॉन्स टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने दो निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इम्पोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि सोमवार को जब रिजल्ट्स आएंगे और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, वो सभी कदम उठाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।